हम बाबर साहब को इस कमरे से बाहर भेज रहे हैं 3 मिनट्स के लिए और फिर आप वापस आएंगे। लेट सपोज ये आप यहाँ से उठाएंगे जी, इस पे आप कुछ लिखेंगे और वो आप इनको दे देंगे, ठीक है। या आप यहाँ से ये उठाएंगे और मिस को जाके प्रेजेंट कर देंगे। ये एक टास्क है छोटा सा, ऐसा कोई टास्क हो सकता है। दो चीजें काम आएंगी आपको, एक आपकी ऑब्जर्वेशन कि कितनी शार्प ऑब्जर्वेशन है आप, क्या आप यहाँ खड़े आपने का माइक है, इससे बोल सकता हूँ, इससे और क्या हो सकता है, टिश्यू से मैं अपने ग्लासेस साफ कर सकता हूँ, इस पे कुछ लिख सकता हूँ, कैंडी किसी को दे सकता हूँ, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है या गलत है इसका फैसला ये करेंगे, ये फीडबैक देंगे आपकी हर एक्टिविटी पे, एक्शन पे। ये कहेंगे यस 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 दैट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ये कहेंगे नो दैट मींस यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो आप रुक जाओगे, आप सोचोगे अच्छा ये नहीं करना तो क्या करना है। लेट्स सपोज आप इनको कहते हो हैंडशेक, हम कहते हैं नो, आप इनको उठाते हो और इनकी कुर्सी पे बैठ जाते हो, हम कहते हैं यस दैट मींस यू आर डूइंग द राइट थिंग। इन्होंने फीडबैक देना है, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन यूज करके वो परफॉर्म करना है टास्क। वो जो कर्टन है ना उसको ऊपर उठा दे, ये आके इसको नीचे करें तो सही आ जाएगा वापस अपनी जगह, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन भी है कि सारे बंद है, ये क्यों खुला है और पहले नहीं खुला था, अगर उन्होंने जाने से पहले देखा हो। दो टास्क कर लें, एक और फिर दो, जरा और कॉम्प्लिकेट। ये ना यहाँ ग्लास रखते हैं, ये जो है ना इसमें पानी और डालना है, को उन्होंने सर्व करना है, ये इसमें डालना है और ये लेके जाना है वहां सर्व करना है और फिर पर्दे पे जाना, ठीक है। जैसे ही वो कमरे में एंटर होंगे ना, तो जब वो इस डायरेक्शन में आएंगे तो यू विल स्टार्ट सेइंग यस 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 और वो चलते जाए, जैसे इधर आएंगे नो नो नो, फिर इधर आएंगे तो आप यहाँ आएंगे यस यस यस, यहाँ रुक गए यस, मूव बैक करेंगे तो आप कहेंगे नो, और इसको उठाएंगे आप कहेंगे नो, इसको उठाएंगे आप कहेंगे, इसको वापस रखेंगे नो, खोलो भाई, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप आपने ऊंची आवाज में फीडबैक देना है, यस यस बोले जी आवाज दे, खड़े नहीं होना, नहीं नहीं आपने उठाया था यस, रखना नहीं है, वापिस आए अपनी जगह पे, इसको ना बंद करें, बंद नहीं करना, पार्ट वन कंप्लीट हो गया, पार्ट टू शुरू होता है। अब आ गया ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब फीडबैक भी सही था, ऑब्जर्वेशन भी सही थी। सो अगर आप इनको पूरा दिन इधर उधर घुमाते रहते, ये पहुंचते अपनी मंजिल पे, इसका मतलब क्लू देते गए और आप ऑब्जर्व करते हुए आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। मैनेजमेंट इस तरह फीडबैक देती है आपको कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, गो फर्दर। आपको नजर नहीं आ रहा होता क्या करना है, मैनेजमेंट को पता होता है, टास्क आपके लिए डिफाइंड होता है, आपको बताया भी होता है, क्लैरिटी नहीं हो पाती, कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट चीजें हो जाती हैं, तो करते करते यू हैव टू फॉलो द इंस्टिंक्ट और फीडबैक। कभी भी अपनी टीम को गलत फीडबैक ना दें, अगर उसने सही काम किया बोलें सही किया है, वेरी गुड, गलत किया है तो क्रिटिसाइज ना करें, बोलें हमें और अच्छे तरीके डिफरेंट तरीके से करना है, तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कॉमन सेट्स ऑफ बिलीव्स आएंगे बीच में और फिर आप वो काम कर जाओगे जिसको करने में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और वो रिस्क सिर्फ आप उस वक्त करते हो जब आपका बिलीफ
पक्का होता है। जो शख्स जहाज से छलांग मारता है पैराशूट के साथ, वो किस बुनियाद पे छलांग मारता है? पैराशूट की बुनियाद पे या ट्रस्ट की बुनियाद पे? वो ट्रस्ट करता है अपने आप पे, अपनी हवा पे, अपनी पैराशूट पे। तो वो ट्रस्ट उसको कामयाब करने में, उसको कामयाबी से लैंड करने में मदद करता है। आपको गलत फीडबैक मिलेगा तो मैनेजर फेल हो जाएगा, और आप गलत फीडबैक देंगे तो आपकी टीम फेल होगी, तो ऑब्वियसली कोलैटरल डैमेज।